उनसे श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं, तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। वे कहते सृष्टि करने के लिए तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझ में सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। अब यहाँ ये भी सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी हैं। आगे देखना, सुवर्त, प्रत्यक्ष और प्रोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ, अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और देखना, यहाँ तोड़ पाड़ दिया, अंत कर दिया अपने ज्ञान का, कलम तोड़ दी विष्णु जी ने। मुझे सब प्रकार से शक्ति के यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब तोड़ पाड़ दिया कि मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में जो मुझे ज्ञान है, इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान मैं नहीं मानता। मुझे सब प्रकार से शक्ति के यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब तोड़ पाड़ दिया कि मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में जो मुझे ज्ञान है, इस दुर्गा से ऊपर कोई भगवान मैं नहीं मानता। पुण्यात्मा, ब्रह्मा को सबसे अधिक वेदों का ज्ञाता माना जाता है और वो यहाँ श्री विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ, जगत प्रभु, सारी सृष्टि के मालिक, देवताओं के भी देवता बता रहा है। और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ, तपस्या करता रहता हूँ और मेरे जितना दुखी कोई नहीं। तब पहले ये काल क्या कराता है, तपस्या करवाता है, तब से इनके अंदर सिद्धि आ जाती है। उन सिद्धियों से फिर ये राक्षसों को मारते हैं, उनसे इनके पाप इकट्ठे हो जाते हैं और वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर तप करते हैं, चार्जर पर लाते हैं और फिर अपनी सिद्धि शक्ति संग्रह करके फिर लठ बजाते हैं और कहता है कोई समय मिला थोड़ा बहुत तो कुछ देर अपने घर लक्ष्मी के पास चला रह पाता हूँ, ना तो इन राक्षसों के साथ सारा दिन लठम लट्ठा रहता हूँ। यानी ब्रह्मा महादुखी और कहता है दुर्गा से ऊपर मैं भगवान नहीं जानता किसी को, इस तो ऊपर कोई भगवान नहीं, कोई देव नहीं। अब दुर्गा क्या बताती है ये देखिएगा, इसी देवी पुराण में हिमालय राजा को आध्यात्मिक ज्ञान बताते हुए अब वो दुर्गा देवी क्या बताती है, देवी जी क्या बताती हैं। 562 पृष्ठ पर सातवां स्कंद, ये है सातवां स्कंद और 562 पृष्ठ। अब यहां देखिएगा, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी
पर्वतराज, पहले तो ये अपनी बताती है कि मेरी भक्ति करो तो ऐसे करो, लेकिन उससे उससे भी रिजेक्ट करती है। फिर कहती है पर्वतराज, ये तो अपने पर्व, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह परम सत्य, और इसको वैसे पढ़ा सारा ही पढ़ा देते हैं क्योंकि इसे काफ़ी निर्णय होता है कि ये कहते कुछ हैं, महिमा करते हैं अक्षर ब्रह्म की और आकर टिक जाते हैं ब्रह्म पर, सभी ऐसा हो रहा है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं। यह लाग्य खिचड़ीकरण, वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। या अक्षर ब्रह्म के भी बोल रही है, आगे लास्ट में ब्रह्म पर जाकर बात खत्म करेगी। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है, सोम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सोम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। उसका प्रणव, प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अक्षर ब्रह्म से शुरू हुआ था, अब कहते हैं वो अक्षर ब्रह्म कौन है, ये ब्रह्म है और इसका ओम मंत्र है, और जीवात्मा को ओम मंत्र का जाप करना चाहिए ब्रह्म को लक्ष्य बना के, टारगेट बना के। क्या कहती है दुर्गा, एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यानी अपनी पूजा को भी दुर्गा स्पष्ट कह रही है कि मेरी पूजा भी त्याग दो और केवल एक परमात्मा को, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यह अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है, संसार से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यह सुलभ साधन है। उस आत्मा का, यहां परमात्मा लिखना था, उस परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। स्पष्ट कर रही है कि एक ओम मंत्र है, उसका ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम का जाप करो, ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखो और सब बात छोड़ दो। दुर्गा की अपनी पूजा को भी कहती है छोड़ दो। वह यह सबका आत्मा, वह यह सबका आत्मा या परमात्मा यानी मालिक कहना था, ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। ओम का जाप करो, ब्रह्म को टारगेट बनाओ और ब्रह्म लोक में वह रहता है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य है आप जी का, आपको ये खजाना मिल रहा है। और काल ने इसको ऐसा ख़त्म करवा देना था क्योंकि संस्कृत समाप्त हो जाती, हिंदी में ये सदग्रंथ रह जाते और आगे चल के इनको और कांट छांट के सिर्फ ये तो ख़त्म कर दिए थे किस्म से, वो छोटी छोटी आरती बना दी थी, जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेवा, और शुक्र 16 शुक्रवार के व्रत, सोमवार के व्रत,
फलाने व्रत इनकी कथा पे लागे छोड़ दिया, पतली पतली पुस्तक बना के। विष्णु और ब्रह्मा और शंकर और व्यास और नारद, व्यास और नारद और ब्रह्मा और विष्णु, इनके ज्ञान का पता लग गया। विष्णु जी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं आपसे बड़ा किसी देव को देवता नहीं मानता। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर को भगवान नहीं जानता और इससे की पूजा करूं इससे ऊपर कोई नहीं। और दुर्गा कहती है कि मेरी पूजा भी त्याग, ब्रह्म की पूजा करो। अब ब्रह्म क्या कहता है, अब ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कौन है, अब इससे कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके लिए हम पवित्र पुराण शिव पुराण का सहारा लेंगे, इस सदग्रंथ को आंखों देखेंगे और तब विश्वास होगा। ये देखिएगा संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके कौन है अनुवादक, संपादक है अनुमान प्रसाद पोदार ओनली और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसको थोड़ा सा पढ़कर सुनाते हैं। ये रुद्र संहिता और प्रश्न नंबर 98 से शुरू करेंगे हम। अध्याय 5 रुद्र संहिता का अध्याय 5 अंत होता है, लास्ट में देखते हैं। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अध्याय 5 समाप्त हुआ, छठा प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन नारद से, अपने पुत्र नारद से, ब्रह्मन यानी ब्राह्मण, देव शिरोमणे तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, यानी और कोई, ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय तत् सद ब्रह्म, अब देखो, अब ये तो है उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में शब्द, और आखिर में ये टिकेंगे कहाँ इस काल के ऊपर, यह सारे नो भ्रमित हो रहे थे। ब्रह्मा जी कह रहा कि उस समय तत् सद ब्रह्म, तत् सत ब्रह्म, सत ब्रह्म माने अविनाशी परमात्मा, तत् माने तत् यानी वो परम अक्षर ब्रह्म, तत् माने वह है, सद ब्रह्म वो सत अविनाशी परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था, यानी सत यानी अविनाशी परमात्मा ही शेष था। आगे देखो ये 99, 98, 99 आपने पढ़ लिया, अब हम 100 पर चलते हैं। रुद्र संहिता देवी शिव पुराण हम पढ़ रहे हैं। जिस परब्रह्म के विषय में, अब परब्रह्म पाएंगे देखना कैसे, और आखिर में काल के ऊपर टिकेंगे। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण, झूठी साची, आप बोल रहे हैं ब्रह्मा जी कि ज्ञान और अज्ञान, यानी हमने जो झूठी साची बातें हैं वो सुना रहा हूं आपको, कुछ सच्ची कुछ झूठी। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुल कुछ काल के बाद, कुछ समय के उपरांत द्वितीय की इच्छा प्रकट की।